2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाकर वर्ल्ड कप का फाइनल जिताया था, तब क्या ही माहौल बना था। अपने घर में वर्ल्ड कप जीता, 50,000 लोगों के सामने सपना पूरा हुआ। लेकिन एक बार ऐसा ही मौका पहले भी आते आते बस रह गया था। वो रह इसलिए गया था क्योंकि जिन फैंस की वजह से क्रिकेट इतना बड़ा गेम बना कि लोग उसे पूजने लगे, उन्हीं फैंस ने 1996 में कुछ ऐसा कर दिया कि ये फैंस दंगाई कहलाए। और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा दिन भी देखा गया जिसे दुनिया भूलना ही चाहेगी। ये 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की कहानी है, जब दुनिया ने विनोद कांबली को रोते हुए देखा और फैंस का तांडव दुनिया के सामने हुआ। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज भारत और श्रीलंका के मैच से जुड़े एक कहानी बताते हैं जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस कभी याद नहीं करना चाहेंगे, जब इल्ज़ाम ये लगा कि पूरी टीम ने मैच फिक्स कर दिया है। मार्च 1996 की तारीख थी और जगह थी कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम। अहमदाबाद में जब तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं बना था, तब तक यही स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, जहां 1,00,000 से ज्यादा लोग बैठकर क्रिकेट देख सकते थे। यह वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, भारत और श्रीलंका दोनों आमने सामने थी, ऐसे में स्टेडियम में भीड़ तो होनी ही थी। स्टेडियम के हर कोने में सिर्फ फैंस ही फैंस दिख रहे थे, मानो पैर रखने की भी जगह ना बची हो। इंडिया ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराया था, उस मैच में सिद्धू ने गदर ही मचा दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत आपका जोश हाई कर देती है, और वो भी अगर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में मिली हो तो कमाल ही हो जाता है। अब सेमीफाइनल आया, पूरी टीम तैयार थी। उस वर्ल्ड कप में भी सचिन ही सबसे बड़ी उम्मीद थे और वो रन भी बना रहे थे। पिच और माहौल को देखकर लगा कि टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी और बड़ा स्कोर बनाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग ले ली। हर कोई हैरान था, लेकिन जब टीम इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई तब थोड़ी देर के लिए लगा कि सब कुछ खुश हो गया और सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि जवागल श्रीनाथ ने कमाल ही कर दिया। सबसे पहले तो धांसू ओपनर सनत जयसूर्या आउट हुए और फिर देखते ही देखते 3 विकेट गिर गए। सबको लगा कि अब तो खेल हो गया और सेमीफाइनल अपना ही होगा, लेकिन उसके बाद अरविंद डिसिल्वा जम गए और ऐसे जमे कि स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। जब बोर्ड पर 50 ओवर खत्म हुए तब श्रीलंका का स्कोर 251 रन हो चुका था। यहां तक सब कुछ ठीक था, अब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई। 1 विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन उम्मीद थी क्योंकि सचिन तेंदुलकर खड़े थे। सचिन तेंदुलकर और संजय मांजरेकर, मुंबई से निकले दो लड़के जिनकी तकनीक की दुहाइयां आज भी दी जाती है, दोनों ने ही एक बढ़िया पार्टनरशिप की और इंडिया को आगे तक ले गए। जब तक दोनों खड़े थे तब तक तो लगा कि फाइनल पक्का हो गया है, लेकिन फिर सनत जयसूर्या आए। बैटिंग में तो उस दिन फेल रहे, लेकिन बॉलिंग में खेल कर दिया। जयसूर्या की एक बॉल सचिन के थाई पैड पर लगी और सीधा विकेटकीपर के पास चली गई। विकेटकीपर ने बॉल स्टंप पर मार दी और तब तक सचिन क्रीज से बाहर निकल चुके थे। 98 के स्कोर पर टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिरा और सबसे बड़ी उम्मीद भी आउट हो गई। बस यहां से ही खेल पलट गया, और ऐसा पलटा कि खेल ही हो गया। अगले 22 रन के भीतर 8 विकेट गिर गए। 99, 101, 110, 115, 120 और फिर 120। जैसे ही टीम इंडिया का 8वां विकेट गिरा, क्राउड पागल हो गया। कुछ फैंस ने पहले बोतलें फेंकना शुरू की। श्रीलंका के फील्डर जहां खड़े थे वहां पर बोतलें फेंकी गई। हल्ला मचना शुरू हो गया और फिर किसी ने आग लगा दी। ये आग पहले छोटी थी, लेकिन देखते ही देखते फैल गई। मैच रोका गया, सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो गए। उस मैच में रेफरी क्लाइव लॉयड थे। लॉयड भी नीचे आए और सभी से बात करने लगे। काफ़ी देर इंतज़ार हुआ, लेकिन जब लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सारे खिलाड़ी मैदान छोड़कर चले गए। फैंस नाराज थे। जिस तरह से टीम इंडिया का कोलैप्स हुआ था, उससे कोई पचा नहीं पा रहा था। जब मैच रुका तो विनोद कांबली बैटिंग कर रहे थे, वो 10 के स्कोर पर नॉट आउट थे। जब मैच को रोक दिया गया और ये तय हुआ कि इसका विजेता अब श्रीलंका ही होगा, तब कांबली रोते हुए स्टेडियम से बाहर गए। ये तस्वीर आज भी भारतीय फैंस को चुभती है। इस मैच के बाद कप्तान अजहरुद्दीन की साख पर काफ़ी बट्टा लगा था। 2011 में विनोद कांबली ने एक इंटरव्यू दिया, वहां भी उन्होंने रोते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आरोप लगा दिया। कांबली बोले कि मुझे तो यही लगा कि साल 2000 के अफ्रीका मैच की तरह अजहर ने 1996 के उस मैच को भी फिक्स कर दिया था, क्योंकि उस मैच ने मेरा करियर तबाह कर दिया। श्रीलंका उस मैच को जीत कर फाइनल में पहुंच गया और बाद में उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और उस वर्ल्ड कप को भी जीत लिया। लेकिन इस वर्ल्ड कप को आज भी भारत और श्रीलंका के उसी मैच की वजह से याद किया जाता है। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।